हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आपके सारे रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेडिकल साइंस अक्सर इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बताता है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, और वो है आपके खान पान, आपकी जीवनचर्या में कहीं ना कहीं छुपी हुई कोई चीज़। ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आज बात करने वाली हूँ, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर में हर रोज सुबह सुबह होते ही वो चीज़ यूज की जाती है, और किस तरीके से ये आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर रही है, ये आपके लिए जानना और उस चीज़ को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चाय और कॉफ़ी, जिनमें की होता है कैफीन और कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स, किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी को वो ख़राब कर रहे हैं, किस तरह से आपके हॉर्मोन्स को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, कैफीन से फर्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसकी सबसे पहली स्टडी हुई थी 1988 में, जिसमें कि बताया गया था कि महिलाएं अगर डेली चाय या कॉफ़ी जिसमें कि कैफीन होता है उसका सेवन करती हैं, तो उनके ओव्यूलेशन करने की क्षमता 50% ही रह जाती है। उसके बाद 2017 में भी कुछ स्टडीज़ हुई, बहुत अलग अलग तरीके से स्टडीज़ हुई, लेकिन उन सब से ये कंक्लूड किया गया कुछ चीज़ें कि फर्टिलिटी पे कैफीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बिना आवाज़ किए भी एकदम साइलेंटली फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कैसे, वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम जान लें कि टी में आप एक कप चाय पी रहे हैं, अगर 100 ml आपने चाय ली तो आपने 11 mg कैफीन ले लिया। और चाय और कॉफ़ी अगर इंसान नहीं पीता है तो उसको विड्रॉल के कुछ सिम्टम्स आते हैं। कैसे सिम्टम्स आते हैं? जैसे किसी को सुबह सुबह चाय नहीं मिलती, हेडेक होने लग जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग में चाय नहीं मिले तो उनको हेडेक होने लगता है, वो इरिटेटेड फील करने लगते हैं, उनको थकान सी रहती है, वो उनको एनर्जी नहीं आती अपने दिन को स्टार्ट करने की। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चाय या कॉफ़ी लेने से, यानी कि कैफीन लेने से आपके साथ हो सकती है। और अगर आपको चाय की आदत है और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अगर आप चाय नहीं लेते हैं, तो आपको ये वीडियो समझना है, देखना है और फिर फॉलो भी करना है। बहुत आसान सी चीज़ें बताने वाली हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको खास जो 4 साइड इफ़ेक्ट्स हैं कैफीन के आपकी फर्टिलिटी पे, उसके बारे में बताऊंगी, और ये महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, कुछ चीज़ें महिलाओं की स्पेसिफिक हैं, कुछ चीज़ें पुरुषों के लिए भी। सबसे पहली चीज़ है कि चाय में होता है टैनिन। टैनिन क्या करता है, आपके बॉडी में जो आयरन है, जो आप अच्छे खान पान से ले रहे हैं, जो आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं, उनको बाइंड कर देता है और बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, महिलाएं, आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में सुबह सुबह उठते ही चाय पीने की बड़ी परंपरा है, और आप देख रहे हैं कि एनीमिया भी कितना ज़्यादा है लोगों में, कितना ज़्यादा परसेंट एनीमिक है पॉपुलेशन का। तो रीज़न ये है कि आप सुबह उठते ही आपके बॉडी में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट चले गए, उसके बाद दिन में जो कुछ भी आप प्लांट सोर्सेज से खा रहे हैं उनका आयरन वो बाइंड कर ले रहा है टैनिन, और बॉडी को अवेलेबल नहीं होने दे रहा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी घट जा रही है। तो इस वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैफीन जो है एंजाइटी और स्ट्रेस का माहौल तैयार करता है शरीर के अंदर। दूसरा साइड इफेक्ट जो कैफीन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में चाय और कॉफी से होता है, वो है स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, हार्मोनल इंबैलेंस को न्योता देना। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से आपकी बॉडी की जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और हार्मोन के बनने की प्रक्रिया भी फिर डिस्टर्ब हो जाती है। आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और हैप्पी हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं, तो इस वजह से आपको PMS बढ़ जाएगा। तीसरा साइड इफेक्ट है एसिडिटी एंड हार्टबर्न। बहुत मामूली चीज लगती है ना, एसिडिटी कभी भी हो जाती है, कैसे भी हो जाती है, और जेंट्स को भी बहुत ज्यादा होती है एसिडिटी। जिनको चाय और कॉफी की लत है, जो दिन में एक से ज्यादा बार भी चाय पीते हैं, तो उन्हें एसिडिटी हार्टबर्न की प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली होती है। और ये प्रॉब्लम क्या नुकसान दे रही है आपकी फर्टिलिटी को, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। दूसरी चीज, एसिडिटी जब रहेगी तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपकी भूख प्रभावित होगी, आपकी डाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। चाय के अंदर 3.5% कैफीन होता है, और देखिए कि आप कितना कैफीन ले रहे हैं, और कैलकुलेट कर लें कि डेली आप कितने कप चाय पी रहे हैं, तो आप कितना ज्यादा कैफीन ले रहे हैं, अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चौथा जो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। महिलाओं में पहली तिमाही में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है, मिस कैरेज होने की रिस्क बढ़ जाती है। और अगर आप कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके सक्सेस होने की रेट वो भी बहुत कम हो जाती है, अगर आप किसी भी तरीके से कैफीन, टैनिन, टी, कॉफ़ी के माध्यम से, सोडा वगैरह के माध्यम से, और भी कैफिनेटेड चीज़ों के माध्यम से बॉडी में ले रहे हैं। सो अब क्या करें, चाय तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, सभी पीते हैं, सभी पसंद करते हैं, तो उसकी जगह हम क्या करें, उसको कैसे रिप्लेस करें? तो फ्रेंड्स, फर्टिलिटी बढ़ाना है, आपको इनफर्टिलिटी है,
अननोन रीजन से इनफर्टिलिटी है, तो आप ये चाय और कॉफ़ी को धीरे धीरे कम करके छोड़िए और आप हर्बल टी पे आ जाइए। हर्बल टी एक्चुअल में टी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो फ्लावर्स से, घासों से, पत्तियों से ली जाती है और उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसके फर्टिलिटी के लिए उपयोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर पाए जाते हैं, तो उनको इन्फ्यूज करके पानी में उसको लिया जाता है। तो आप चेसबेरी टी ले सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, रास्पबेरी टी ले सकते हैं। फर्टिलिटी की बहुत सारी टी है, मेरे स्पेशल वीडियोज भी हैं फर्टिलिटी टी के लिए, यूट्रस के लिए, थायराइड के लिए बहुत सारी है। लेमन ग्रास का टी ले सकते हैं आप, तो उन टी को आप ऑप्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियोज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फर्टिलिटी टी को देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में जाके आप यूट्यूब सहेली फर्टिलिटी टी सर्च करें तो आपको उस वीडियो की लिंक मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अपनी चाय पीने की आदत को सुधार कर आप भी अपनी फर्टिलिटी की अनजान प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।